Once again, good morning, children. Today we are here to go with the second part of your chapter. Now, historians and their sources. Historians कौन होते हैं? Historians वो लोग हैं जो इतिहास का study करते हैं, history study करते हैं और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को हमारे सामने लाते हैं. और sources वो parts हैं, वो चीज़ें हैं जिनसे वो history के बारे में हमको जानकारी देते हैं. A historian is a person who studies and writes about the people and events of the past. Historian वो व्यक्ति होता है जो past के लोगों और चीज़ों घटनाओं के बारे में लिखता है, पढ़ता है और हमें उनके बारे में बताता है. अब historians के sources क्या हैं? सबसे पहले historians rely on calendars और dating systems created by the people of the past to measure time. Most of these calendars were created based on important events. तो सबसे पहले वो जो historians हैं वो calendars पर rely करते हैं, विश्वास करते हैं क्योंकि calendars में events का बारे में सारा कुछ डिटेल से केयर से बताया गया होता है. अब sources of history, Indian history हो या foreign history हो, इनके sources दोनों के अलग अलग होते हैं. तो main source literary sources and archaeological sources. लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है? रिलीजन्स, रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं वो सब आ जाते हैं. एंड देन सेकुलर, रिलीजियस बुक्स में जो विभिन्न पर्टिकुलर रिलीजन्स हैं उनकी बुक्स होती हैं, जैसे रामायण है, कुरान है, गीता है, अवेस्ता है ना, इस टाइप की बुक्स रिलीजियस बुक्स हैं. दूसरा होता है सेकुलर सोर्सेज, ये वो बुक्स होती हैं जिनको ट्रेवलर्स ने लिखा है, बायोग्राफीज होती हैं और प्लेज होते हैं, ड्रामास होते हैं और जो आपकी जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स, स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं वो सभी शामिल हो जाते हैं. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होते हैं? क्वाइंस, जिसको और क्वाइंस की स्टडी को हम कहते हैं न्यूमिसमैटिक्स, क्योंकि क्वाइंस पर एक्यूरेट डेट पड़ी होती है और अक्सर पुराने क्वाइंस पर उस समय के किंग या क्वीन की इमेज भी प्रिंट होती है. मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग्स, इन सभी को मॉन्यूमेंट्स कहते हैं. देन आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स जो पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. फिर इंस्क्रिप्शंस, जो दीवारों पर खोद कर खुरच के लिखे होता है उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. और उसके अलावा अदर सोर्सेज बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे. वी विल कीप ऑन स्टडी. दीज आर, यू कैन सी इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड मोन्यूमेंट्स. ओके, इंस्क्रिप्शंस पत्थरों में खोद के बनाई हुई, दीवार में खोद के बनाई हुई चीज़, क्वाइंस एंड मोन्यूमेंट्स. These are different types of monuments that you can see here, and I have given your names. You must go through them. This is again an inscription which gives us information regarding our history. एक हिस्ट्रियन जो है वो कॉपी करना चाहता था बुक को, लेकिन उसके पास में पेपर नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ा? पहले की जो उसकी अपनी एक बुक थी उसको उसने वॉश किया, पेपर को ड्राई किया और उसको फिर से यूज़ किया. अ सेंचुरी लेटर, 100 सालों के बाद, इफ़ यू वांट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर. और आप खाना खरीदते हैं और बहुत लकी होते हैं कि जो शॉपकीपर है वो आपके खाने को एक पेपर में लपेट कर आपको दे देता है. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स एंड रूल्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाई वेल्दी पीपल, रूलर्स, मस्त मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. तो बहुत जो अमीर लोग थे, रूलर्स थे, मोनेस्ट्रीज थे, ये इन रिकॉर्ड्स को मेनटेन कर रखते थे. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, और इनको लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था. अब आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स एक ऐसी जगह होते हैं, अ प्लेस होते हैं वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहां पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके इकट्ठा करके रखा जाता है. दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्ट्रियंस अबाउट, बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज. हालांकि जानकारी बहुत मिलती है लेकिन उनको यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाई हैंड. क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपीज हाथ से लिखी जाती थी. इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क, आपने कभी किसी अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया हो तो आपने पाया होगा कि अक्सर एक तो हैंडराइटिंग प्रॉब्लम होती है और कई बार होता है कि आप उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर कुछ का कुछ हो जाता है.
तो एज ए रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, और आपके फ्रेंड के वर्क में और आपके वर्क में बहुत ही छोटे छोटे चेंज होते हैं जिसके पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करना बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं। आ स्क्राइब्स कॉपीड, स्क्राइब कौन होता है, एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, ए वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। तो जो स्क्राइब से जो कॉपी करते थे, जो लिखते थे, कॉपियों की नकल करते थे, वो अपनी तरफ से चेंज कर देते थे, कुछ का कुछ यूज़ कर लेते थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द, दिस पर्सन इज अ स्क्राइब जो कि इसको कॉपी कर रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कॉपी होती थी, और क्या होता था कि ये सब ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स हाथ से लिखी हुई जो बुक्स होती हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। Until same text became substantially different from one another, और बाद में हुआ ये कि एक चीज़ जो लिखी किसी और purpose से गई थी वो चलते चलते बदलते बदलते बिल्कुल ही different हो जाती थी। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today, क्योंकि हमें author की original manuscript तो मिलती नहीं है। We are totally dependent upon the copies made by later scribes, तो बाद के जो scribes हैं, दूसरे लोगों जो copy किए उन पर इनको depend रहना पड़ता है। As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. अब author ने originally क्या लिखा था इसको जानने के लिए क्या करना होता है, historians को कई सारी books को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद भी सही चीज़ का पता नहीं चल पाता है। On occasion, authors revise their chronicles at different times. अक्सर authors chronicles को different times पर revise करते हैं, change करते हैं। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरनी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1536 एंड अनदर वर्शन ऑफ वर्शन 2 years later, और फिर 2 साल बाद उसका दूसरा वर्जन लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्ट्रियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1960s, और 1960s तक हिस्ट्री में पता ही नहीं था कि इसका पहले वाला वर्जन भी है। इट रिमेंड लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस, ये बहुत बड़ी जो लाइब्रेरीज हैं उन कलेक्शंस में ही पड़ा रहा। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसके बाद नए सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन टुमारोज़ पार्ट।